तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आर एस पेट जोन। सो हमारे सामने रिजवानुद्दीन, जो कि टूर्नामेंट विजेता 2017 से लेकर तो 21 तक के विजेता, 20 तक के विजेता आपके सामने, और उनकी ये ट्रॉफीज़ हैं और उनके कबूतरों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज कि उनके जो कबूतर हैं। क्यों रिजवान भाई, मेरा क्वेश्चन आप ही ये है कि क्या आप अपने उड़े हुए कबूतर जो टूर्नामेंट फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, उसको सेल करते हो? भाई अभी तक तो सेल करे नहीं है। हाँ, जो मेरे मिलने वाले हैं उनको मैंने दिए हैं कबूतर। तो मतलब उसका प्राइस जो है 30-40 हज़ार? नहीं, इतना नहीं भाई। 1 लाख? नहीं, बहुत कम भाई। बेसिक गिफ्टेड भी दिए हैं, 2-3 हज़ार का जोड़ा दिया है, इससे ज़्यादा का नहीं तो दिया। मैक्सिमम लोग तो इसी का सेल करते ना, ये जो टूर्नामेंट विजेता है 1 लाख रुपये का सेल करूँगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हमें कुछ बताइए उसके बारे में कि अगर किस टाइप का परचेस करना चाहिए अच्छे कबूतर। भाई देखिए, अच्छा कबूतर ये है कि आप पहले, हमारे भोपाल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोग कबूतर बेच रहे हैं 5 हज़ार 10 हज़ार का जोड़ा, और लोग ले भी रहे हैं, फिर बाद में ये बोलते हैं कि यार कबूतर उड़े नहीं, हम फलाना से लिए, यहाँ से लिए, व्हाट्सएप से। क्या भाई, जिससे भी आप कबूतर लें पहले उसके बारे में पता कर लें क्या वो कितने प्राइज उठाए हुआ है और कितने कबूतर उड़ाए हुआ है। जो कबूतर उड़ा रहा है रिसेंटली उससे आप कबूतर लें, भले ही वो 5 हज़ार की जोड़ लें या 10 हज़ार की लें, लेकिन कोई प्राइज होल्डर हो जो कबूतर उड़ाने की जिसमें एक एबिलिटी हो, क्या वो कबूतर उड़ा सकता है, उसका नहीं ये प्राइज हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास प्राइज हैं मुझसे ही लें, बहुत सारे हैं भोपाल में जो हमारे भाई, इन लोग का प्राइज है, आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट में रहें, उनसे प्राइज लें, आपकी कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भाई वो क्या आएगा, देखिए आप सबसे पहले जो बाहर के जो लोग होते हैं तो वो सबसे पहले वो यहाँ आएँ, यहाँ आके विज़िट करें, लोगों से पूछें और आके देखें, फिर सौदा करें, या फ़ोन व्हाट्सअप वगैरह पे नहीं करें, वो उसमें अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कुछ दिखता है कुछ बिकता है, वो उसमें मज़ा नहीं आता भाई। ऐसा ना करेंगे, करें मतलब व्हाट्सएप पे नहीं ले सकते? नहीं, व्हाट्सएप देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा दूर है वो नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम है उसको तो वो हो दे सकता है, लेकिन अगर आप कोई प्राइस देखिए, अगर मेरी तो ओपिनियन यही है, ज़्यादातर अगर जो उसको कबूतर चाहिए वो नहीं आ रहा तो वो अपन अपने किसी बंदे को भेजे क्या कबूतर हमें चाहिए, अन्यथा व्हाट्सएप वगैरह पर तो मेरी ओपिनियन नहीं है कि आप नहीं लो। ज़्यादातर मेरा ये है कि आप पहले आओ यहाँ पर, विज़िट करो भोपाल में, लोगों को जानो क्या वो उनने कबूतर वाकई में उड़ाए हैं, फिर आप उनसे कबूतर लो। और उसका प्राइस क्या होना चाहिए, मान लो कि आपके कबूतर है फर्स्ट? भाई देखिए, आप जिस जो प्राइस उठाता है, जो कबूतर जिसका नाम है, तो वो उसने बहुत मेहनत करके कबूतर बनाए होते हैं भाई, बिना उसके तो हर किसी का प्राइस तो लग नहीं जाता, क्योंकि जितने ही मैंने प्राइस उठाए हैं, या 150-150 लोगों की उड़ान में फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज उठाया है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है ये। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वही कबूतर बेचते हो या उसका ब्रीड लेकर बेचते हो? भाई हमारे बहुत सारे, आप लोग के दुआ से हमारे इमरान भाई हैं, आप हो तो उससे हमारे बाहर बहुत अच्छे हमारे रिलेटिव हो गए, तो हम उन लोग उन्हें कबूतर दे देते हैं वैसे ही जी उड़ाने के, उससे अगर हम उन्हें बोलते हैं हमें चाहिए तो वो हम लोग को भेज देते हैं, ऐसा है भाई। रिलेशनशिप बनना चाहिए? जी रिलेशनशिप बनना चाहिए। अच्छी नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रिलेशनशिप होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कहीं जाए तो आपका वो वेलकम करें, वेलकम करें, बिल्कुल। अभी हम भोपाल में हैं और भोपाल में रहते हैं जी, और अभी जैसे कि टोंक शहर है राजस्थान, जी अगर हमारे ऑडियंस वहाँ हैं, हमारे मित्र बनते हैं, तो इन फ्यूचर अगर हम वहाँ जाकर लोगों को कबूतर शौक करते हैं या लेकर आते हैं, तो हमें वो लोग भी वेलकम करेंगे? वेलकम करेंगे। जैसे आप देखिए, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है, आप उनको जैसे ही वो आप उनको इज्जत दोगे वैसे ही वो आपको रिटर्न में इज्जत देंगे। जैसे कि हम जाते हैं, उनकी शौक करते हैं, और फिर जब वो भोपाल आते हैं जी तो हमें भी उनका अपना भी फर्ज बनता है कि अपन भी उनको वही रिस्पेक्ट दें जो उन्होंने हमें दिए, जो उन्होंने अपन को दिए। तो आप यही मैसेज दें कि भाई फ्रेंडशिप ज्यादा से ज्यादा करें, जी आपका बेनिफिट उसमें ही है, बेनिफिट उसी में, क्योंकि लड़ाई दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। सही बात, इंसान से दो बात अच्छी बोलते हो तो वही आपको दो अच्छी बात ज्ञान देगा, है ना? तो आपका ये एक्सपीरियंस है जी, मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? देखिए, और मैं यही बस मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपके व्यूवर्स हैं, जो ज़्यादा पैसे जिस जो अचीव जोड़े अचीव नहीं कर सकते, तो उनका ये है कि भाई मैंने अभी आपको बताया वीडियो में कि कबूतर कैसे लेके देखना चाहिए, अगर वो इतना महंगा नहीं ले सकते तो इस हिसाब का कबूतर लें, तो उनको आगे जाके फ़ायदा ही मिलेगा। और भोपाल में जिससे भी कबूतर लें पहले उसके बारे में जान लें अच्छे से कि उसने कितने कबूतर उड़ाए हैं, और उसका रिकॉर्ड पूछें कि भाई ये इसका क्या रिकॉर्ड है टूर्नामेंट में, तो ही कबूतर लें, अन्यथा कबूतर किसी से ना लें जिसका रिकॉर्ड ना हो। रिकॉर्ड ना हो तो उससे भाई लेने से कोई मतलब ही नहीं है ना। आप उससे लो, नॉर्मली कबूतर लो जो मिलता है 300-500 का, आप उससे 5 हज़ार 10 हज़ार का जोड़ा मत लो। 10 हज़ार का उसी से लें जो उड़ा हुआ हो, जिसका रिकॉर्ड हो, जिसके पास प्राइस हो। थैंक
थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय हमारे ऑडियंस को देने के लिए। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच भाई और हमारी ऑडियंस, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।